और आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है। आसमान में पूरा बादल छाया हुआ है, धूप नहीं है। कल थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी यहाँ पे। समय से पहले मानसून जो है दस्तक दे चुकी है। वो मेरा पम्पकिन का ये क्या बोलते हैं बेल है, जो अच्छे से फैल रहा है। और इधर जो है अमरूद के पेड़ पे जो है मेरा नैनुआ का बेल चढ़ा हुआ है, बट पता नहीं कुछ काट दे रहा है, जिसके कारण कुछ डाली जो है इसके वो सूख जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला डाली का देख रहे हैं पत्ता सूख रहा है, तो इससे दस्तक हो जाती, पता चल जाता है कि हाँ ये अब सूख गया है। पता नहीं क्या हो गया, फल भी रहा है नैनुआ पर, कहना मुश्किल है कि वो फलेगा कि नहीं। फिर कुछ काट देगा कोई कीड़ा उड़ा तो फिर सूख जाएगा। मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें क्या डालना चाहिए जिससे कीड़ा ना काटे। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है इसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो मेरा पुराना टंकी है जो वहाँ पे रखा हुआ है, वो ख़राब नहीं है बट छोटा था, तो जब ये घर मेरे फादर ने लिया था तो उसको रिप्लेस कर दिया था बड़ा टंकी से, तो इसीलिए ये यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं जो है अभी फ़ैन के नीचे बैठी हुई हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैंने सर में जो है ऑनियन जूस लगाया है, तो इसीलिए इसको सुखा रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप से होता है, तो अगर प्रॉपर हवा नहीं लगती है तो वो इधर उधर से पसीने से बहना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ के उसको सुखा रही हूँ। और मेरी जो नाश्ता थी वो हो चुकी है। आज एक्चुअली मैं मोटा वाला रोटी बना रही थी। आप लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि एक ज़्यादा आटा लेके उसमें प्याज मिर्ची नमक ये सब डाल के उसको गूंथ लिया जाता है, और फिर उसको मोटा करके तवे पे सेक लिया जाता है। तो मैं तवे पे दी ना, उसके बाद तो कुछ और दूसरा काम करने लगे, जिसके कारण मैं वो भूल गई, तो वो लग गया था नीचे से। फिर भी ठीक ठाक बन गया, तो मैं वो रोटी और एक खाई हूँ। और अभी जा रही हूँ वन कप कॉफ़ी पीने, और अभी फिर से सुन रही हूँ कि 15 या 16 तारीख से फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, अब कोरोना से मरेंगे या भूखे मरेंगे, काम नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो खाएंगे कहाँ से। अब समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ से मरेंगे। और गवर्नमेंट जैसे फर्स्ट टाइम में अच्छा खासा रिस्पॉन्स दी थी, अब उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही है गवर्नमेंट भी क्या, पब्लिक भी नहीं दे रही है। जिनके पास पैसे थे, जिनके पास अनाज थे, तो वो फर्स्ट टाइम में जिस तरह से गरीबों को खाना खिला रहे थे, हेल्प कर रहे थे, उस हिसाब से अब नहीं हो रहा है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। और मैं हेलो हाय नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट कब का कर चुकी हूँ, पर अभी मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, इसीलिए हेलो बोला मैंने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए चूड़ी। आज मैं आधा रेडी हुई हूँ, पूरा रेडी नहीं, आधी रेडी हुई हूँ। मैंने बिंदी लगाया है, और मैंने आज घर में जो है कुर्ती उर्ती पहनी है, जैसे लग रहा है मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बट आज मुझे तैयार होने का मन किया तो मैं रेडी हो गई, क्योंकि कभी जा तो अभी सकती नहीं कहीं ऐसे बिना मतलब का। तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर नहीं जा सकती क्या, घर में रेडी नहीं हो सकती, घर में भी रेडी हो सकती, तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी मैं रेडी हो गई है। ये चूड़ी बहुत दिन से रखी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो पहन लेती, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ अच्छी तो लगती है बट उसकी जो आवाज़ होती है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बोली मैं कहीं जा तो नहीं रही, घर में हूँ, तो चलो पहन के इसको भी ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि इसे कौन पहनेगा फिर। तो ये चूड़ी जो है मुझ पर कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम लोग के जो धर्म है, हिंदू धर्म में चूड़ी बिंदी और सिंदूर को एक सुहागन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ माना गया है। इसके बिना सुहागन एक अधूरी सी महसूस होती है, अधूरी सी लगती है। बट मेरा ये कहना है कि ये सब सही है और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी खूबसूरती है और निखर के सामने आती है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
रहता है कि हस्बैंड वाइफ का अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे पे रहना और एक दूसरे को दिल से प्यार करना, ना कि ये सब चीज़ों से प्यार करना कि देखो मैं पूरे मांग भर सिंदूर लगा ली, बड़ा सा बिंदी लगा ली, पूरे हाथ चूड़ी पहन लिया तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं इस सब बातों पर नहीं विश्वास करती। मैं इस बातों पर विश्वास करती हूँ कि हर चीज़ थोड़ा कम भी हो पर दिल का प्यार जो है, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहना, सुख दुख हर तरह के सिचुएशन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, मैं वो सब चीज़ों पे विश्वास करती हूँ। इस सब चीज़ों पे भी विश्वास करती हूँ बट अंधविश्वास नहीं करती हूँ। और सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, ये मेरी सोच है, मैं दूसरी की सोच की भागीदारी नहीं हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि आप सभी इस सोच के साथ चलिए, तो इसीलिए ऐसा कुछ कमेंट मत कीजिएगा। और कमेंट करना है तो कीजिएगा ना कि ये चूड़ी मेरे मुझ पर कैसी लग रही है। और ऐसे भी ये पीली बोल रही हूँ मैं, पिंक चूड़ी जो है, पिंक चीज़ें लड़कियों को बहुत ही भाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जमशेदपुर का ये हालत हो गई है कुछ दिनों से कि सुबह में धूप रहती है और शाम होते होते इस तरह से बारिश होना शुरू हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक से कुछ इसी तरह का चल रहा है। मतलब जमशेदपुर में तो मानसून आ गई इसी से पता चल रहा है, जबकि हर साल जो है यहाँ 15 जून के बाद से मानसून शुरू होता था, पर 2020 तो कुछ नया एक्स्ट्रा लेके आया है, तो इसीलिए इस बार मानसून भी बहुत जल्दी शुरू हो गई है। तो इस मानसून का असर ये है कि जून एंट्री करते ही बारिश होना शुरू हो गया है। वैसे तो हर रोज़ आंधी तूफान बादल गरजने से शुरू होता है, बट आज एकदम स्मूथली बारिश हुई है, ना बिजली का कड़कना हुआ है ना बादल का नाश। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इस तरह की हरियाली देखने को मिल जाएगी। मैं उस खुशनसीब पर्सन में से हूँ जहाँ वो रहती है, टाउन में रहने के बावजूद भी इस तरह की हरियाली जो है दिख जाती है। अब टाउन का मतलब ये नहीं है कि बिष्टुपुर और साक्षी, टाउन का मतलब ये है कि गांव की तरफ नहीं रहती हूँ तो, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में इस तरह की हरियाली देखने के लिए बहुत सारे लोग जो है तरस जाते हैं, पर जिस सोसाइटी में मेरा घर है उस सोसाइटी में सभी के पास स्पेस जो है अच्छे खासे है, और सभी लोग उस स्पेस को इस तरह की हरियाली लगाने में, इस तरह के पेड़ लगाने में यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग में दिखाया है कि मेरा जो बैकयार्ड है उसमें भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे पपीता, केला, अमरूद और बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे बेल लगे हुए हैं। तो और आगे में भी इस तरह के हमारी जो है वो देखिए, ये वाला जो प्लांट है वो मेरे ही ये बाउंड्री के अंदर आता है, और बाकी जो वो बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हैं वो सामने वाले अंकल के बाउंड्री के अंदर आता है। तो उन्होंने भी बहुत कुछ लगा के रखा है, आम, जामुन, सॉरी कनेल का फूल, तो इस तरह का वो भी, और मेरे अगल बगल जितने भी हैं सभी के पास अच्छे खासे स्पेस है और सभी ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है, किसी का ऐसे ज़मीन खाली नहीं है। तो ये मैं बहुत ही अच्छा महसूस फील करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप टाउन में रहती तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग नज़र आएंगी, इस तरह से हरियाली कहीं नज़र नहीं आती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।